नमस्कार साथियों, वेदांत लर्निंग पॉइंट में मैं सुषमा तिवारी आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर संज्ञान अधिगम एवं बाल विकास की चौथी इकाई भाषा एवं संप्रेषण से कहानी की परिभाषाएं लेके प्रस्तुत हुई हूं। ये जो टॉपिक है ये 9th, 10th, 11th, 12th बीएड, डीएड वगैरह के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हर जगह पूछा जाता है कहानी की परिभाषाएं। आइए शुरू करते हैं। कहानी की चार परिभाषाएं यहाँ पे दी गई हैं, साथ में कहानी की के उदाहरण दिए गए हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो और नए हो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से अच्छे नोट्स दिए जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। साहित्य के अंग के रूप में कहानी की परिभाषा भिन्न भिन्न विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से दी है। एच जी वेल्स ने कहा है कि कहानी एक छोटी रचना है। एच जी वेल्स के अनुसार क्या है, कहानी एक कैसी रचना है, छोटी रचना है, एकदम छोटी सी जो है परिभाषा है। अगर ये पूछी जाए तो छोटी सी परिभाषा लिख देंगे, आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। अगली परिभाषा है मुंशी प्रेमचंद के शब्दों में, इन्होंने क्या कहा है, कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी भाग या एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। उसकी शैली, चरित्र और कथानक एक ही भाव को प्रकट करते हैं। अगला है चार्ल्स गैरेट के कथन में, इन्होंने क्या कहा है, कहानी एक लघु वर्णात्मक गद्य है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन होता है। अगली और अंतिम परिभाषा है प्रोफेसर मैथ्यूज के अनुसार, कहानी भाव प्रधान होनी चाहिए, उसके एकमात्र लक्ष्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़नी चाहिए। इन परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कहानी छोटी गद्यात्मक रचना है जिसका उद्देश्य मनोरंजन एवं शिक्षा होता है। छोटे छोटे बच्चों को अक्सर कहानियाँ सुनाई जाती हैं, उनको सुनने में मजा आता है, वो ध्यानपूर्वक सुनते हैं, साथ ही उनको शिक्षा मिलती है। ठीक है, कहानी के उदाहरण है कुछ। पहला है पंच परमेश्वर, जो कि प्रेमचंद ने लिखी है। सती सावित्री बंसीधर श्रीवास्तव जी ने लिखी है। ईदगाह प्रेमचंद जी ने लिखी है। रानी दुर्गावती महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है। कर्तव्य परायणता कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखी है। इब्राहिम गार्दी वृंदावन लाल वर्मा जी ने लिखी है। तो ये आपकी 6 कहानियां हैं इनके लेखकों के साथ में। इस तरह से ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर पोस्ट आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने साथियों में शेयर करिएगा ताकि सभी को लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।